पंजाब कैडर 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी कमरदीप कौर को चंडीगढ़ का नया एसएसपी नियुक्त कर दिया गया है। आज उन्होंने पदभार संभाला, साथ ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि शहर या प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलने पर तत्काल योजना बनाना कई बार सही साबित नहीं होता, इसलिए बतौर एसएसपी पहले वह चंडीगढ़ के अपराध की मौजूदा स्थिति का आकलन और विश्लेषण करेंगी, फिर उसके परिणाम के आधार पर ही उस पर काबू पाने की रणनीति तैयार करेंगी। कौर ने कहा कि हर जगह की आपराधिक स्थिति अलग होती है, ऐसे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर सब कुछ बदल जाता है। उनका कहना है कि बदलाव को समाहित करते हुए वह चंडीगढ़ को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करने का प्रयास करेंगी। कमरदीप कौर हमारे साथ है, आइए जानते हैं उनके बारे में। जी, प्रायोरिटी पुलिस की हमेशा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होती है, प्रिवेंशन डिटेक्शन क्राइम होती है, किसी भी तरह की क्रिमिनल मूवमेंट नहीं अलाउ की जाएगी, सब क्रिमिनल्स पे आयरन हैंड से हम डील करेंगे। हाँ जी, हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं जी, उसको हम पूरा कंट्रोल करेंगे और थोड़े दिन में बंद होगी स्नैचिंग। मैडम, आपके मेन चंडीगढ़ में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेन मैंने अभी बताया है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होगी, क्राइम की प्रिवेंशन होगी, यही पुलिस के मुद्दे होते हैं, इन्हीं को जितना अच्छी तरह से कर पाएंगे उतना करेंगे। जैसे मैं बॉर्डर एरिया पे हाल ही में यहाँ पर कौमी एकता की तरफ से वो चंडीगढ़ पुलिस और उनके बीच में वो हुआ था, नहीं उनको भी जी हम लॉफुली डील करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी उनसे बात में है और अभी भी जो भी लॉफुली होगा हम डील करेंगे। और महिलाओं और लड़कियों को लेकर खासतौर पर वो भी जी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में सब इकट्ठे आ जाता है जी, चाहे महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, स्नैचिंग की बात हो, सब चीजों को हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर में देख के हम उनसे डील करेंगे। थैंक यू जी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।